आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। मुझे कुछ सामान लेना है, मैं चली जाऊँ। सामान लेके आ जाओ। बोला जी थोड़ा रुके। कैसे आप लोग? बहुत बहुत जा रही हूँ। रुपया करके जाते ना तू? दो मिनट। चल अंदर चल। तो आ जा। मैम कल बहुत बड़ी घटना हुई, जिसका चर्चा हुई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? लता जी का डेथ हो चुकी है। कान डाइजेस्टेड एक्चुअली। क्या होता है ना कि हम लोगों ने काफ़ी सालों से उनके उनको देखते आ रहे हैं, उनके गाने एवरग्रीन गाने सुनते आ रहे हैं, इतना प्यार सब लता जी को करते हैं। मेरी मॉम की वो फेवरेट थी, तो माय मदर कॉल्ड मी अप कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कान से पूरी आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे क्रिमेशन सेरेमनी चल रहा था वहाँ पे थी, पूरी वर्ल्ड आई थिंक उनके साथ है। नाइट एंगल उनको कहते थे, हमेशा हम सब के दिलों में जीवित रहेंगे। And at this point of time, what kind of project you are looking forward to? Something really good. I'm just holding myself, controlling. Jitne bhi temptations hoti hai, ye kar lo, I'm just holding myself to come in a very big and very good project actually. Jo ki mujhe bhi achha lage karte aur aap sabko bhi achha lage. And Big Boss में किसी के साथ सिंगल सॉन्ग देख सकते हैं आपका? मैं अफसाना के साथ आप मुझे देख सकते हैं अभी। आई होप बिकॉज अफसाना के साथ जो मेरी दोस्ती रही है बिग बॉस के अंदर सबको बहुत पसंद आई है, और हमारा जो सिस्टरली लव था वो सबको बहुत पसंद आया है। आई होप उसके साथ देख सकते हैं। एंड ओल्ड बालाजी इज ऑल्सो कमिंग अप विद अ गुड शो लॉकअप जी, कंगना रनौत होस्ट कर रही है, तो आपको कुछ अप्रोच किया वहाँ से? मैं अभी बिजी हूँ, बट मुझे ऑब्वियसली पता चला है कि ऐसा चल रहा है। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा है, मुझे पता चल गया है। आई थिंक कंगना विल बी अ वेरी गुड यू नो बीइंग इन दिस जैसे लॉकअप जो शो है, उसमें काफ़ी अच्छी वो होस्ट है मुझे ऐसा लगता है। शी इज़ वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जाऊँ? जाए हाँ मेरे भाई, फोन आया था।